अब आपका बेटा काला है, किसी ने काला बोल दिया तो उसमें सच्ची बोला ना, मम्मी झगड़ती थी मेरा बेटा काला नहीं है। मतलब वो एक्चुअली फनी चीज है। कृणाल भाई मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को पूछा हार्दिक पांड्या का टॉप 3 क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स क्या है। तो मैंने इंटरनेट पे देखा तो उसमें ऐसा लिखा था पहला 3 रिजल्ट्स, हाँ, कब होगी हार्दिक और परिणीति की शादी, क्या हार्दिक ने मारा लव के फील्ड पे 6, उर्वशी कहती है हार्दिक पांड्या मेरा है। कैसे फोकस करेगा यार? 3 ही है आई गेस, 6-7 होनी चाहिए। मैंने 3 देख के मैंने क्रिकेटिंग अचीवमेंट बंद कर दी। कैसे करेगा ये फोकस यार? आपकी तो शादी हो गई है, आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, जल्दी शादी कर दी, इसको क्या, हाउ डज ही फोकस? आई गेस इसको कुछ बोलने जैसा ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। अभी जैसा जा रहा है जाने दे रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं, वो बहता है, बह रहा है वो। माई लाइफ माई रूल वो हम लोग ऐसे ही एक मजाक में बोलते रहते हैं फैमिली में, मैं, पंखुरी, हार्दिक, सो ऐसे कुछ भी होता है ना एडवाइस कोई देता है, सुननी नहीं है तो सिर्फ यूं ही कर देते यूं। तो उसका मतलब बेसिकली है माई लाइफ माई रूल। सो अगर कोई एडवाइस आके दे रहा है और वो सुनना नहीं है, मानना नहीं है, पूरा बोलेगा, बाद में हम तीनों में से एक दूसरे को देखे यूं कर देते, समझो कि ठीक है नहीं सुनेगा। अभी तो और एक लोग ने नया लाया है, मतलब ये भी चला गया। अब तो कोई अगर कुछ एडवाइस दिया उसके बाद कर दो, मतलब ये साउंड निकाल, मतलब माय लाइफ माय रूल्स, मतलब तेरी एडवाइस नहीं चाहिए वैसा। अच्छा, कोई भी सीनियर क्रिकेटर होगा भी फिर भी? हां, नहीं, सिर्फ ये हमारे टीम में चल रहा है, बाहर नहीं चल रहा। बाहर बट नाउ सर आपकी शादी हो गई है, सो देयर आर सम लर्निंग्स आउट ऑफ शादी जो आप बताना चाहोगे उसको? और क्रिकेट में भी कुछ फायदे हुए होंगे शादी के, कुछ तो बताओ। करना है मैं उसको, उसके हार्दिक के लिए शादी के लिए एक ही एडवाइस है कि तू शादी मत कर। मत कर, तू कर आराम से, मतलब आई गेस 40 साल में शादी कर, तो तब तक तू देख, पहले तू वो बोलते हैं ना बड़ा हो जा। अरे इमरान खान ने 4 की यार, ग्रेट क्रिकेटर्स हैव टू डू अ गुड जॉब। 4 अभी मैं बोल नहीं सकते। मैं किसी को जानता हूँ जिसने बहुत हमारे करीबी है, उन्होंने 4 की है, इतने अच्छा। सारे बच्चे किए, बोल नहीं सकते। बट स्ट्राइक रेट इज क्रिटिकल इन क्रिकेट यार, वेरी क्रिटिकल। हमेशा हायर स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं, जो जिनको हम जानते हो भी हायर स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं। नहीं मगर एक बात बताओ कि मैं जब भी आपके रूम में भी आता हूँ तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है बिटवीन यू टू ब्रदर्स एंड पंखुरी। और पंखुरी तो बोलती है कि हार्दिक इज़ फ्रॉम माय ट्राइब फ्रॉम अ टैटू पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका क्या है? नहीं, अभी से एक्चुअली टीम अप हो जाते हैं, मतलब मैं ये अलग एक सामने ऑपरेशन है और हम दोनों एक टीम है। हाँ, तो मैं मतलब जैसे हार्दिक बोलता है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता हूँ, उसको एक्चुअली इरिटेट हो भी जाता है कभी कभी, तो रूम में नहीं आता वो, 2-3 घंटे खुद को क्या गैदर करता है और फिर मेरे पास आता है कि अब जाके इरिटेट ही वापस करेगा। तो ये बड़ा खुश होता है क्योंकि ये और पंखुरी जब मिलते हैं तो पंखुरी मेरी बात पे कोई अग्री, मतलब वो अग्री करती ही नहीं, तो इसको बड़ा मजा आता है। ये दोनों टीम अप हो जाते हैं, ये कुछ भी बोले ये खुश हो जाता है। सो हाँ वैसा है तो। बट हाँ, हम लोग का बॉन्डिंग, पंखु हमेशा मैसेज करेगी हमको अगर अकेले छोड़ के जाएगी, हमेशा इसको मैसेज करेंगे, डोंट इरिटेट एचपी, डोंट इरिटेट एचपी, डोंट ट्रबल हिम, ओके माय बेबीज, डोंट ट्रबल हिम। दैट्स नाइस। बट 2 बिग मोमेंट्स इन योर लाइफ, पहले हम आपके बिग मोमेंट के बारे में बात करेंगे। 2017 द बिग टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच, एंड इट कोइंसाइडेड विद अ स्पेशल डे फॉर यू एज वेल। यस यस, आई गेस उसी दिन मैच के बाद मैंने पंखुरी को प्रपोज किया। क्या बात है। मैच रात को, मतलब हम लोग जब चैंपियन हुए और जब होटल गए, तो आई गेस मुझे उस टाइम पे लगा कि ये राइट टाइम है मेरे, क्योंकि मेरे लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट था अब तक का। क्योंकि मैं IPL में फाइनल खेले, चैंपियन फर्स्ट टाइम हुआ, प्लस हार्दिक भी साथ में था, तो सब कुछ ड्रीम कम ट्रू ही था। तो मैं बोला यही दिन को और ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं। सो मैच के बाद मैंने प्रपोज किया, और उसके प्रपोजल करना था, इसके लिए जीता। हाँ, इसलिए जीतना जरूरी था। दोनों इम्पोर्टेंट थे। और आपका फर्स्ट मैन ऑफ द मैच, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस वो तो था, लेकिन सबसे उसके अलावा दुख मुझे उस बात का हुआ था, मुझे गलत फहमी थी कि जो एक, तब तो यार 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तब तो 1 लाख जो जिसमें मिलते थे वो अपने मैन ऑफ द मैच के, वो ऐसा लगते थे। और मैंने मैन ऑफ द मैच भी जीता, हाँ। और मैंने वो सुपर स्ट्राइकर कैसा कुछ करके था कुछ, हाँ। नहीं, सुपर 6 या मैक्सिमम 6 समथिंग कुछ था, वो भी जीत गया, हाँ। तो मैं बोला 2 लाख, तो मैं इतना एक्साइटेड, मैं बज्जूबा बोला, बज्जूबा वो सब तो छोड़ो मैम, तो मेरा 2 लाख आ गए, 12 लाख हो गए मेरा IPL में। और भज्जूबा हंस रहे। फिर भज्जूबा ने मैडम को ही बोला, नीता अंबानी आए थे अंदर, मैडम को ही बोला कि मैडम देखो जरा, तो वो भी हंसने लगे, रिकी भी हंस रहा है, सब हंस रहे हैं। फिर मुझे जब यहाँ पहुंचा तब पता चला कि एक्चुअली जो पैसा होता है ना वो टीम में बट जाता है। अरे बाप रे। और मैं बोला साला इधर आशा वाशा, मैं तो शॉपिंग वॉपिंग का सोच रहा था, मैंने वो 2 लाख शॉपिंग के लिए, मतलब शॉपिंग करूंगा भाई, 50-1 हज़ार की शॉपिंग करो। गॉड, जो मेरी आशा वहाँ से जब बोलते ना एकदम वहाँ से बंगलों से 1 BHK आ गया। मैं बोला कुछ नहीं, चलो ठीक है। शॉपिंग के आप तो मास्टर हो ही, तो मैं आपको एक चॉइस करने के लिए बोलूँगा। मैं एक, आप शॉपिंग को निकले हो, आपके पास काफ़ी पैसा आ गया है, तो कृणाल के लिए क्या लाओगे आप? कुछ नहीं। मैं सेकेंड हैंड माल यूज़ करता हूँ। कृणाल के लिए ऐसा आता है, अगर मैंने कोई चीज़ ली है जो, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग, देखो कपड़े कैसे पहन के हम दोनों। मैं डार्क कॉमेडी हूँ और लाइट कॉमेडी, जो भी मतलब जो डायलॉग लग जाए डाल देना। ब्लैक एंड वाइट, हाँ वही। उसके लिए एक्चुअली मैं कुछ लाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं लाता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसे देखता हूँ कि अगर ये चीज़ इतनी महंगी है, पहन पाएगा, तो फीलिंग ही नहीं आता कि पहन पाएगा। अच्छा, तो मैं अकॉर्डिंग टू हिम महंगी चीज़ मेरे पे सूट नहीं होती है। हाँ। अभी तक मैं कुछ भी किया हूँ वो उसको बिलीव नहीं होता, चाहे मैं वो क्रिकेट खेल रहा हूँ ग्राउंड पे या इधर बैठा हूँ या कहीं भी, या अच्छे गाड़ी पे भी बैठा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि तू कैसे यहाँ कैसे क्यों कैसे? मेरा मतलब पता है मेरा कैसा है, मैं चीज खरीदता हूँ लेकिन मैं उसको उतना ही केयर करता हूँ। हाँ। मैं पहनने के बाद जूता साफ खुद करता हूँ, खुद कर। कितना बड़ा अचीवमेंट है। नहीं सही बात है, नहीं हर चीज शाबाशी देनी, हर चीज जो चीज भी हो, मेरी गाड़ी भी साफ खुद ही कर, गाड़ी से लेके मेरी बहुत जरूरी है, वॉच, गाड़ी, जूता, चश्मे, मैं उतने प्यार से रखता हूँ। मतलब एक जूता आपको एक स्क्रैच भी नहीं मिलेगा। इस बंदे का देख लो ना, ये को भी सेमी ब्रांड समझता है, कोई दूसरी बड़ी ब्रांड को भी सेमी ब्रांड समझता है, तो वहाँ मुझे थोड़ा जरूरी है ना, दुख होता है मुझे वहाँ थोड़ा कि यार नहीं, वो डिफरेंट ब्रांड है, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। थोड़ा सोशलिस्ट आदमी है, सब इक्वालिटी चाहिए उसको, दुनिया में इक्वल रखो सब, तो इसलिए भेदभाव मत करो। इन शॉर्ट में इसलिए नहीं लेता, डिजर्व नहीं करता ये। अच्छा, पंखुरी के लिए? पंखुरी के लिए आई विल बाय वो डिजर्व करती है, उसके लिए मैं सब महंगी। कैन यू नेम फ्यू? नो नो, यस यस लाया वो। अच्छा चलो, हाइपोथेटिकल एक मिनट इस पे रखना भाई। हस्बैंड है लेकिन हस्बैंड ने कुछ दिया नहीं है जितना मैंने दिया है। चल बट ये दोनों बोलते हैं मेरी चॉइस खराब है। हाँ तो है, तो है, मैं बोलते अकॉर्डिंग टू हिम एक ही चीज मैंने अच्छी की अभी तक लाइफ में, पंखुरी से शादी की। सही, बाकी आज तक मैंने कोई सही काम ही नहीं किया। क्या बोलने का अभी, सही बात है। वेस्ट इंडियन से मैं हमेशा इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे तो लगता था कि मैं विव रिचर्ड्स हूँ, आई यूज्ड टू थ्रो द च्युइंग गम, हिट इट बाय द बैट, एक फील आया मेरे को तब भी। And when I see you guys, मुझे लगता है आपको भी वो है। वो एक मैंने डायलॉग सुना था, सनी सर ने बोला था। हाँ। वो कपिल के शो में वो कुछ आउट हो गए, 4 नंबर पे बैटिंग में आए वो, तो कुछ पास हो रहे थे, जो अभी तक मेरे दिमाग में रहता है। नो मैटर व्हाट नंबर यू बैट, द स्कोर इज स्टिल 0 मैन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो कभी कभी मेरे को लगता है कि पांड्या शुड अडॉप्ट किरण पोलार्ड एंड कॉल हिम किरण पांड्या ओनली। आई एम श्योर ही इज हैविंग ऑल्सो इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थेपला ओनली। हम लोग का मतलब हम लोग की सीट भी फ्लाइट देखते, ऐसा नहीं था आईपीएल खेलने से मतलब स्टार्ट हुआ तब से, ऐसा नहीं, वो बचपन से अलग वो एक प्यार है, पता नहीं वो वेस्ट इंडियन से या वो बेसिकली मुझे सबसे बेस्ट चीज उनकी एक चीज लगती है कि बहुत सिक्योर्ड लोग लगते हैं मेरे को, इनसिक्योरिटी कम लगती है उनमें, कि अगर आप उनसे बात कर, क्योंकि मैंने पोलार्ड को देखा कि मैं जब स्टार्टिंग में भी नया आया और आज भी देख रहा हूँ कि अब मैं तो मुंबई इंडियंस में 2-3 साल हो गया, मैं जब आया और मैं स्टार्टिंग में आया, उसका जो बिहेवियर था जो वो मुझे इनसिक्योर लोग नहीं लगते, बहुत इजी गोइंग लगते और जजमेंटल नहीं। बेस्ट चीज लगती है जजमेंटल नहीं, इजी गोइंग है, तो उनमें से मुझे बेस्ट चीज लगती है पोलार्ड। मतलब जितने भी मैंने वेस्ट इंडीज से, मैं मतलब आरसीबी के सामने मैच होता है तो मेरा पहले से क्रिस गेल बड़ा फेवरेट प्लेयर रहा है, तो मैं उसके ऐसे कॉपी भी करता हूँ, उसके सामने ऐसे करके वो करता है ना बैटिंग में, और ऐसा तो मतलब उनसे अलग ही प्यार है, मतलब ऐसे, और बहुत चिल्ड आउट है। मेन चीज उनमें एक वो क्या है, कोई बैरियर नहीं है। करेक्ट, एज का भी बैरियर नहीं है, क्या कोई बड़ा प्लेयर है छोटा प्लेयर है, वो बैरियर नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। और मुझे एक अच्छा लगता है कि वो हंसते रहते हैं, और वो स्टाइल आपकी मैंने देखी है कि यू नो व्हेन यू कम यू टेक दैट विकेट, यू नो नकल बॉल डाला ना ऐसे करके अब नहीं होगा ना, बाल चले गया अब ऐसे करके सिर्फ स्माइल होती है, आंख लगती है। बताऊंगा 2003 केन्या टीम बड़ौदा आई थी, जब 2003 सेमीफाइनल पहुंची थी केन्या टीम 2003 में, तो तब वो लोग प्रैक्टिस गेम बड़ौदा खेलने आए थे, बड़ौदा रणजी ट्रॉफी से, वो उस प्रिपरेशन मैच वर्ल्ड कप के पहले। तो वहां केन्या टीम बाहर बैठी थी, बस का वेट कर रही थी, और अगर आप हार्दिक के कोई भी बचपन के फोटो देखे हो तो ऐसा लगेगा कि ये कैरेबियन से ये बच्चा है, ये इंडियन बच्चा नहीं है, मतलब ऐसा था। तो वो बच्चे थे, तो लोग ऑटोग्राफ के लिए जा रहे थे, कोई दे नहीं रहा था, हाँ। किसी को नहीं दे। सडनली उन लोग ने हार्दिक को देखा, ये सच बात है, वो थॉमस ओडे और स्टीव हाँ, टिकोलो और बहुत सारे मुझे नाम याद, मेरे को टिकोलो बोलते थे तो उसमें से उन्होंने एक्चुअली हार्दिक के पास था वो एलम्बिक ग्राउंड, याद है मेरे को वहाँ पे, और ये गया और सामने से इसको ऑटोग्राफ दिया था, क्योंकि उनको लगा घर वाला है, ये तो घर वाला है हमारा, इसको लाओ जरा, पहले लाओ जरा, इसको दो। तो मतलब वैसा था। तो हाँ, बचपन से ही, और हार्दिक के मेरे भी थे, मैं थोड़ा कम वेस्ट इंडियन लगता था, बट ये तो कंप्लीटली मतलब मम्मी के हाथ में रहता, ऐसा रहता मम्मी फेयर है, और ये रहता था ऐसे लगता था किसी और का बच्चा मम्मी को। अच्छा, और सबसे फनी बात क्या है पता है, अब आपका बेटा काला है, किसी ने काला बोल दिया तो उसमें सच्ची बोला ना, मम्मी झगड़ती थी मेरे बेटा काला नहीं है, वो एक्चुअली फनी चीज है। मतलब मैं मम्मी को बोलता, मम्मी तू झगड़ती क्यों है, तेरा बेटा काला है और काला बोल रहे हैं, उसमें क्या गलत बोल रहे हैं। हर माँ प्रोटेक्टिव होती है अपने, बोलते नहीं कालिया नहीं है वो, कालिया क्या काला नहीं है वो, काले बोलते कालिया। साउथ अफ्रीका इनिंग्स आउटस्टैंडिंग, केप टाउन, एक तो केप टाउन में कोई बैटिंग कैसे कर सकता है, सब जगह इतना अच्छा दिख रहा है, इफ यू कांट फोकस ऑन द बॉलर। और एट वन पॉइंट मुझे लगा कि आप T20 खेल रहे हो, मगर आप टेस्ट मैच, मुझे भी लगा ऐसा कुछ इसमें, मेरे को भी लगा मुझे। फिर टेस्ट मैच था माहौल, और भूवी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई। एनी मेमोरीज देयर? मेमोरीज तो बहुत सारी, चौके वौके मारे, मजा आ गया। मेरे को यार साउथ अफ्रीका इतना लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट डिफिकल्ट, यार मजा आ रहा है, थोड़ा अच्छा फील, प्राउड फील हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प किया भूमि ने मुझे नॉन स्ट्राइकर से। एक बार मुझे अभी भी याद है, सर ने, सचिन सर ने शायद एक इंसिडेंट बोला था कभी कोई शो पे, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कूकाबुरा बॉल बहुत लाल बॉल बहुत डिफिकल्ट है पिक करना। जनरली इंडियन बॉल जो इंडिया में हम लोग खेलते हैं वो अलग बॉल होता है, और बाहर खेलते हैं वो अलग बॉल होता है, तो वो थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है, मतलब हाँ। थोड़ा इन शॉर्ट डिफरेंट होता है। और वहाँ ऐसा नहीं कि आप शाइन और रफ थोड़ा इजीली पाए। और मेरा पहली बार खेल रहा था मैं रिवर स्विंग पे, हाँ। जब पहली बार खेल रहा था मैं श्रीलंका में खेला, तो उसमें ट्रेडिशनल स्विंग हो रहा था, तो उसमें ईजी था। और जनरली जो एशिया में बॉल्स होते हैं वो बॉल वो डिफरेंट होता है, और अब्रॉड में वो बॉल डिफरेंट होता है, दोनों सेम ही कंपनी लेकिन डिफरेंट बॉल होते हैं। तो वहाँ मुझे पता नहीं, जब मैं भूवी को बोला यार मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है, तू हेल्प कर दे। तो फिर भूवी ने, मैंने डिसाइड किया कि अगर वो बाहर सीम रख रहा है, शाइन रख रहा है, तो तू बैट खड़ा होकर तू लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना, क्योंकि नॉन स्ट्राइक है तो लेफ्ट हैंड में। अगर वो अंदर रख रहा है तो तू बैट इस साइड पकड़ के खड़ा हो जाना। नाइस। और अगर वो तेरे को पता नहीं चल रहा है तो बीच में रख देना। तो जो बॉल मुझे आउटस्विंग वाला होता था उसके लिए मैं रेडी होता, कि थोड़ा विथ मिला मैं इसलिए, तो मैं इसलिए कवर के ऊपर से मार रहा था, जो बॉल जहां जा रहा था उस साइड मार रहा था, क्योंकि और जब उसने अंदर पकड़ा तब मैं रोकने का, क्योंकि अंदर वाले बॉल पे आउट हो सकता हूँ, क्योंकि विकेट में बाउंस तो थोड़ा अच्छा बॉल गया, बोल्ड बोल्ड होता हूँ। और जब बीच का बॉल है तब तो फिर बैट बगल से निकल, बस उधर ही रुकना है कि रुक जाना है, कुछ भी हो जाए टक कर दो। एंड भुवनेश्वर विल अंडरस्टैंड स्विंग बॉलिंग द बेस्ट। किंग किंग, टू ग्रेट ऑलराउंडर्स। बट आप तो मास्टर हो सर, ABD आपका बनी है कुछ तो बताओ कैसे आउट लेते हो उसको, 4-5 बार आउट लिया है, तो कोई बॉलर्स बच भी जाएंगे अगर उनको नॉलेज मिल गई तो। आउट किया है हाँ, मतलब 2-4 बार खेला हूँ मैं AB के सामने, और 4 बार आउट किया है। अब मैं उनके सामने कुछ नहीं, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं जब भी बॉलिंग डालता हूँ तो नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन है, क्योंकि वो लेजेंड है, इतना बड़ा प्लेयर है, छक्के भी मार दिए 6, तो क्या बोलेंगे, हाँ यार वो मार दिए, AB de Villiers है मार दिया, बट मैं अगर उसकी विकेट लूँ तो मेरी तो गेन ही गेन है। तो मैं मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं जब भी ऐसे बड़े सिचुएशन या बड़े प्लेयर के सामने खेलता हूँ ना, तो मुझे मजा आता है, क्योंकि हीरो कब बनते हो आप, तभी तो बनते हो, क्या बात है, हीरो तभी बनते हो। तो मेरे को, मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी, मैं ऐसे नहीं सोचता वाई मी, जब भी कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन आती है। तो AB de Villiers के सामने जब मैं बॉलिंग डाला तो मेरे को तो ऐसा ही था कि इसको आउट करूंगा तो कितना नाम होगा तो एक बार पगार भी डबल हो जाएगा, पगार भी डबल हो जाएगा, हो भी गया भाई तेरे तो उस टाइम तो वही है कि मैं उनके सामने कुछ एवरीथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज, तो वही मैं डालता हूँ अपना बेसबॉल, और वो 4 बार तो आउट हो चुके, तो बस वही है, बट लेजेंड है वो, तो उनके सामने ऐसा कोई सच मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने ये वीकनेस पकड़ लिया, ये बोलना चाहिए सर, यू नो व्हाट आई डिड इज आई पिक्ड अप हिज, वैसा कुछ है नहीं। एक क्रिकेट में सीखो सर, बड़ा चढ़ा के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ वही अच्छा, 4 बार आउट किया, अभी देख रहा हूँ 5वीं बार करूँगा। 4 बार आउट किया था तो ऐसे किया था, 5वीं बार होप ऐसे करूँगा। बट हाँ सर आजकल तो नहीं करेगा तो अंपायर ऐसे करेगा। सबसे फनी पार्ट क्या है पता है, एबी डिविलियर्स को आप आउट करो ना तो सोशल मीडिया मत खोलो, लोग माँ बहन की गालियाँ देते हैं। अरे बाप रे, और हमारे एक्चुअली हाँ हमारे देश में पिछले 3 महीने में किया है, 2 बार बैक टू बैक। आपने जो नकल बॉल डेवलप किया है, मैं जहीर खान को बोलता हूँ कि कुछ अगर कॉपीराइट कर लेते ना नकल बॉल पे तो पैसे मिल जाए। फर्स्ट उन्होंने ही चालू किया था। एग्जैक्टली, वर्ल्ड कप 2011 क्या बॉलिंग डाली है, मगर इस बार सर कमाल कर दिया आपने, वो पकड़ के। और जो स्लोअर बाउंसर्स, क्या बात है। पर्पल कैप कुछ बताओ एक बार, पर्पल कैप भी पहन लिया है भाई ने। और थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताना कि हाउ डिड यू डेवलप द नकल बॉल? या इट टुक मी लिटरली मेनी डेज, मेनी आवर्स ऑफ हार्ड वर्क। कितना देखा वीडियो पे कैसे जाता है, कितना बातें किया, और बस ऐसे नेट में डाला, आ गया। नेट में एक बार डाला, अच्छा गिर गया, बोला अच्छा अच्छा बॉल हिट हो, डालते हो उन्होंने। फिर मैच में डाला सक्सेसफुल। इसलिए मैं इतना कहाँ डालता हूँ, जब लगता है पहले तो एक बॉल डाल के देखता हूँ मैच में, क्योंकि मैं उसका प्रैक्टिस नहीं करता, वो ऐसे ही देखा। और नकल बॉल का प्रैक्टिस नहीं करते हो? तो मैं ऐसे डालता हूँ मैच के पहले या उसमें, अगर थोड़ा लगा मैच में डाल दिया, अगर थोड़ा उधर उधर गया तो फिर मैं नहीं डालूंगा। अगर पहला सही गिर गया, आज दिन है नकल बॉल, आज डालो नकल बॉल। बट अभी कर सकता, अब लोगों को पता चल गया ना, पहला अच्छा नहीं डालेगा तो दूसरा फिर नहीं डालता, अब ऐसा करना। अब डालो पहला, अब नहीं सब में डालता नहीं तो नेक्स्ट IPL तक आएगा, IPL खत्म हो जाएगा तब तक। एग्जैक्टली। बट यार बांग्लादेश का जो लास्ट ओवर था ना, लेजेंडरी, और वो आप दोनों के लिए स्पेशल था क्योंकि आप मेरा बर्थडे था। 23 मार्च रात को ही मैच खत्म हुआ, कुछ 12 बजे 11:50 समथिंग। और सो बेसिकली मेरे लिए गिफ्ट हो गया। यू कांट से दैट ही हैज नॉट गिवन यू अ गिफ्ट। कम ऑन हार्दिक, दिस इज योर टाइम, बता दो सर को। यार किसी को गिराने में मजा नहीं आता। बट सर लास्ट ओवर मैं होता भाग जाता। क्या 5-6 रन थे? नहीं थे तो 11, सॉरी। मैंने पहले दो बॉल चौके खा के 3 करा। मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग कराओ लोगों को, मतलब थोड़ा करेक्ट हार्ड बात पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा तो बोला ड्रामा होना चाहिए, तो लो ड्रामा ला दिया मैंने। 3 में खाया, 3 में 9 रन खा गया। 2 रन चाहिए थे उनको, या 3 रन कितने? 2 रन चाहिए थे, 2 रन चाहिए थे ना। हाँ 3 बॉल में 2 रन और 3 विकेट चाहिए। तो माई भाई से कुछ बात हुई? बात क्या, वो बात करने लायक ही नहीं छोड़ा था मैंने। क्या बात करते मेरे साथ? मैं जाके डाला अपना, उसने लप्पा घुमाया, आउट हो गया। फिर हमने बात किया, तो फिर हम बात यॉर्कर या ये, तो भाई बोलते हैं यार यॉर्कर तो ठीक है, लेकिन अभी यॉर्कर ये डाल पाएगा कि नहीं पता। उसको बैक ऑफ लाइन तो कौन सा, भाई भाई बैक ऑफ लाइन परफेक्ट डालूंगा मैं। दूसरा बैक ऑफ लाइन, वो पता नहीं, वो जो कीपर भी है बड़ा, उसको छक्के मार के मैच खत्म करना था, मारा छक्का और फिर गया उन लोग के ड्रेसिंग रूम में। पूरा उधर तक सेंड ऑफ दिया था मैंने। और उसके पहले आके मेरे साथ वो क्या जीतने गया बोलते ना, जीत गया वैसे कर रहा था, हार गया देखा मैं। फिर उनके पास गया, मतलब कहाँ मेरे से कर रहे हो तुम लोग। मजा आया। फिर क्या आखिरी बॉल पे MS धोनी हुसैन बोल्ट बन गए, और 9.58 के बदले 9 सेकेंड में स्टंप उड़ा दिया। क्या बात है, हम जीते, वरना वर्ल्ड कप के बाहर थे। एंड योर अमेजिंग परफॉर्मेंस फाइनल्स अगेंस्ट पुणे। मेरे को अभी भी याद है, 74, 7 या 8 थे हम लोग, तो पता नहीं उस टाइम मैं कुछ 10-15 रन पे ही खेल रहा था, और 70 और मिचेल जॉनसन बैटिंग में। तो जब टाइम आउट हुआ, तब मैं जब वापस लेग स्टंप ले रहा था, तब मैं एक्चुअली ऐसे बोला, मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ से हार नहीं सकते। पता नहीं मेरे को सेल्फ बिलीफ था, देख रहे हैं तो प्रैक्टिकली 74-8 फाइनल में पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। बट मेरे को ऐसा कि कुछ भी हो जाए, पहले बात तो मैं आउट होने नहीं वाला, देखूंगा लास्ट के 2 ओवर में मारूंगा, तब तक मैं मारूंगा ही नहीं। लास्ट के 2 ओवर में जितने रन, और वैसा ही हुआ, मैं 18 ओवर तक मारा ही नहीं। लास्ट के 2 ओवर में मैंने मारा, और कुछ 130 तक हम लोग पहुँचे। तो 130 थोड़ा भी एक टोटल था कि आप बॉलिंग डाल सकते हो, वरना 80-90 तो बिल्कुल आप डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम मैं बैटिंग में ही बोला कि कुछ भी हो जाए, आउट नहीं होने वाला मैं, लास्ट में 2 ओवर में ही मारूंगा। फिर 130 हुआ, और फिर अच्छा हुआ, और पहले विकेट भी हम लोग को मिला। बुमराह ने आउट किया पहला ब्रेक थ्रू, और अजिंक्य उनका मेन प्लेयर आरपीएस का और ही वाज बैटिंग वेल। मैंने कवर पे मलिंगा ने स्लोअर डाला अजिंक्य रहाणे ने ऐसे मारा डॉली, मतलब आप जब बॉलर को पास नहीं करते बॉल मिड ऑफ से कवर से देने के लिए बॉल पास, सेम कैच था, मैंने ऐसे करके ऐसे किया छूटा और नीचे में ऐसे गिरा, ये वहाँ वैसे गिरा और मैं पॉइंट पे हूँ। हाँ, एक पिक्चर भी है, पॉइंट पे हूँ, ये वहाँ वैसे गिरा और मैं पॉइंट से ऐसे ऐसे और रोहित भी ऐसे कर रहा है और मैं गिरा और मैं ऐसे करके ऐसे नीचे झुक, और मैं ऐसे स्लो मोशन में गिरा हूँ ऐसे करके नीचे गिरा हूँ और मैं ऐसे बैट लेट के ऊपर देखा। और ये मेरा भाई नहीं है, सबसे पहले इसने, मैं मन बोला इसने क्या कर लिया, मतलब इसने क्या टू कर लिया। तो फिर जैसे ही छूटा कैच और सबसे पहली चीज है मतलब शिट गया कप क्योंकि 130 अजिंक्य रहाणे का आप कैच छोड़ो और इतना इजी, और उसके नेक्स्ट बॉल ही चौका मारा उसने। तो और ज्यादा मैं एक्चुअली रन काउंट कर रहा था अजिंक्य, एक और ये वो ये, मैं मतलब इतनी सॉल्ट इन वुड, इतनी भगवान को प्रे कभी नहीं किए वो कैच के बाद जितनी की होगी लास्ट के 20वें बॉल तक, मतलब लिटरली बस प्रेइंग के यार नहीं 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 करके। बट वो मैच ही अमेजिंग था, हम लोग ने जिस तरीके से डिफेंड किया 130 वो टोटल अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल रोलर कोस्टर राइड था वो मैच। अच्छा गाइस, दिस राउंड इज कॉल्ड ब्रेन फेड। इस राउंड से आपका ब्रेन फेड हो सकता है, आपको आंसर देना है, सवाल ईजी है, जस्ट हैव टू रिएक्ट, ठीक है। बिगेस्ट फेकू इन द ड्रेसिंग रूम? ईशान किशन। ईशान आपका घर का ही लौंडा चलेगा। बिगेस्ट रोतलू इन द ड्रेसिंग रूम? ईशान किशन। बिगेस्ट फूडी इन द ड्रेसिंग रूम? पॉल चैपमैन। एंड मैंने ब्रेकफास्ट करते हुए अमित शाह को देखा है। अमित शाह मैं श्योर। फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? सब सब पंखुरी पंड्या। बेस्ट गरबा डांसर? पार्थिव पटेल। जेट स्प्रे और लोटा? जेट स्प्रे। ओ लाला। फेवरेट बॉल्ड पर्सन? विक्रम साठे। विक्रम साठे, yes. This was a no-brainer. Rate the following players' hairstyle on a scale from 1 to 10. Malinga. For him 10, for me 6. Pollard. Pollard का बाल ही कहाँ है hairstyle के लिए? धोनी. I buy very subtle, very good hairstyle. धोनी 10 on 10. धोनी from 2007. लंबे बाल मेरे को तो पसंद है, मेरे को भी पसंद है, मुशर्रफ को भी पसंद थे। कृणाल पांड्या ठीक है, अच्छे है। क्या डिप्लोमेटिक टाइप के लोग हो यार। हार्दिक पांड्या बेस्ट बेस्ट 100 on 10. ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम चेकिंग मेंटल स्ट्रेंथ ऑन द शो वी आल्सो चेक द फिजिकल स्ट्रेंथ। देखना है कि क्या आप रिकॉर्ड्स बहुत सेट हुए हैं, लेट्स गो मान सकते हैं। वेट वेट लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इट्स अ हैमर गेम देयर। अच्छा, हूएवर हिट्स द हार्डेस्ट इज द चैंपियन। Okay. Are you ready? Yeah, okay, run the ball. Might. Well, the two captains are here with me. There's Hardik Pandya and there's Krunal Pandya. What's important is that we find out who wins the hammer game. Let's start with Hardik. Come on. You want to see? Oh! Oh! Yeah, take that. So Krunal, how close can you get? Come on, shabash, shabash, well done. Shabash, shabash, shabash. I'll beat him. Come on, shabash. Well done, well done. 918 is the target. Well, this is all happening here. Come on, shabash. Oh, well done, well done. These are two. Machine is also being safe, thoda. Unbelievable. Diplomatic. This is brotherly love. It's all happening here. Yes, well done, Shash. Welcome to the presentation party, and the first captain is Hardik Pandya. Welcome, Hardik. It was a fabulous performance. What do you have to say? Yeah, boys played pretty well, and yeah, the wicket was favouring us, and yeah, we played well. You took a lot of positives from this show. Yeah, what the duck gave me lots of ducks, but in the end, I anyway love ducks. Thank you very much. We have a small gift for you, and I hope you enjoy this wonderful session here at the IPL. Well done, shabash. Thank you, sir. Well, the next captain, put your hands together for Krunal Pandya. Woo! Woo! Well done, Krunal. Enough. It's over. Okay, Krunal, what's important is you tell us how was this match for you? Had a great time with you, what the duck, with Vikram Sathe, और मज़ा एंड अभी आगे एक्साइटेड हूँ खुद का ही शो देखने के लिए. Well done. We have a small gift for you. Here, आपकी त्वचा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। इफ यू लाइक द एपिसोड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ना यार।